Hi guys, this is Dipakshi, your social science educator, and in this particular session, we are going to discuss a brand new chapter that is globalization and the Indian economy. So let me tell you, एक तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है, प्लस दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ना बच्चा, इससे काफी सारे एक तो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम के अंदर. कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिससे डायरेक्टली 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं इन आवर एग्जाम. सो इन द क्लास टूडे वी आर गोना नेल सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आज भी जो सेशन होगा ना, इसके अंदर हम सबसे पहले तो समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन होती क्या है, ग्लोबलाइजेशन के क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं. एंड लाइक आई ऑलवेज से, एवरी कॉइन हैज इट्स टू साइड्स, राइट? सब चीजों के एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. तो आज हम काइंड ऑफ सारी की सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में, ट्रेड के बारे में, एंड मेनी मेनी अदर थिंग्स. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द सेशन. और बीच बीच में मैं आपसे बहुत सारे क्विज क्वेश्चंस भी पूछने वाली हूँ. सो all in all, for all those of you guys who are watching me for the very first time, my name is Dipakshi Maini, and we will be doing the chapter globalization and the Indian economy ka part number 1 in this particular session. So let's get started quickly. Lekin usse pehle jaldi jaldi se ek bari mujhe live chat ke andar bata do, how's the josh everyone? Are you guys absolutely ready to rock the show? Yes or no? Quickly guys, quickly tell me everybody. जल्दी से मुझे दे दो एक dab so that I can also come to know that my bacha party is absolutely excited for this particular session and you guys are gonna rock it. और एक छोटी सी टिप मैं आपको दूंगी भाई, keep your eyes and ears open और हम पूरा का पूरा ये जो पार्ट है आज का नेल करने वाले हैं, ठीक है? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बच्चा, एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज आने वाली है फ्रॉम द 31st January, दैट इज कमिंग मंडे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे ऑफ ऑल दी सेशंस, बिकॉज वी आर गोना कम अप विद अ ग्रेट ग्रेट सरप्राइज एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर ईच वन ऑफ यू गाइज. आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स ऑलरेडी दे आर फास्ट अप्रोचिंग, है ना? तो उसकी प्रेपरेशन तो एकदम फुल पावर हमें करनी है, 1% का भी कहीं से माइन्यूट सा भी कुछ छोड़ के नहीं जाना, है ना? तो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट. अभी कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ भी नहीं पता सिचुएशन आगे कैसी रहेगी. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चाहे फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो, या फिर हमारे पूरे के पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हो, सोर्स बॉक्सेस हो, हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है? तो उसके साथ साथ बच्चे जल्दी जल्दी से टेलीग्राम का ये चैनल ज्वाइन कर लो. सर्टनली आई एम टेलिंग यू गाइज, यू आर मिसिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स इफ यू हैवंट जॉइंड दिस येट. तो बच्चा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, इट इज वेरी वेरी एकदम इजी पीजी पिज्जा चीजी. तो आपको सिर्फ अपना गूगल लेंस खोलना है और गूगल लेंस खोल के बच्चा यू गाइज हैव टू स्कैन दिस QR कोड एंड यू विल डायरेक्टली लैंड इन टू द ग्रुप, ठीक है? और इसके साथ साथ आप ये लिंक भी चूज कर सकते हो, दैट इज bit.ly/topperstudy. यहाँ पे आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, सारे के सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की पढ़ाई हो जाए एकदम फुल पावर सॉर्टेड. और उसके साथ साथ वी ऑल्सो क्रिएटेड द प्लेलिस्ट फॉर यू गाइज. तो बच्चा प्लेलिस्ट जो है वो क्लास 10th की भी प्रिपेयर्ड है, क्लास 9th की भी प्रिपेयर्ड है, ताकि आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आप लोग को कोई सेशन ढूंढने में कोई परेशानी ना हो. तो जल्दी से इसको आप एक्सेस कर लेना और उसके साथ साथ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस सेशन एज मच एज यू कैन विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, ताकि उनका भी थोड़ा फायदा हो जाए, है कि नहीं? और इसके साथ साथ चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना. प्रेस द बेल आइकन ताकि आप लोग को सारी की सारी रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे. अभी बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें आने वाली हैं चैनल के ऊपर. और अब इसी के साथ हम शुरू करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. तो बच्चा ये जो पर्टिकुलर सेशन होगा उससे समवेयर अराउंड 4 to 5 marks का पार्ट हम प्रिपेयर कर लेंगे एकदम. एंड ट्रस्ट मी, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, व्हेन एवर यू हियर ऑफ दिस वर्ड ग्लोबल, आपको इससे क्या समझ में आता है? जल्दी से मुझे बताओ, ग्लोबल से आपको क्या समझ में आता है? Quickly tell me in the live chat, everybody. I'm continuously gonna monitor the live chat so you guys can chit chat also here and give me all the answers here. Okay. Batao, batao. What do you understand by this word global? जब भी हम किसी भी चीज को global level पे बात करते हैं, मतलब we are actually talking worldwide. है ना? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं, राइट? तो बच्चा ग्लोबलाइजेशन का मतलब बेसिकली क्या है? दैट वी आर बेसिकली बीइंग कनेक्टेड टू द डिफरेंट कंट्रीज. अलग अलग कंट्रीज से हम ट्रेड कर रहे हैं, हम उनके साथ लिंक्ड हैं, हम उनके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, राइट? अब वो ट्रेड की भी हो सकती है, दैट रिलेशनशिप कैन ऑल्सो बी इन गुड्स, इन सर्विसेज, इन पीपल, एवरीथिंग.
तो ग्लोबलाइजेशन इज बेसिकली द इंटरकनेक्शन एंड द इंटरलिंकिंग, ताकि हमारा जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है इट बिकम्स अ स्मॉल प्लेस टू बी, है ना। तो आज के टाइम की अगर हम बात करें तो बच्चा देखो सारी चीजें कितनी ज्यादा आसान हो गई हैं हमारे लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सिटिंग राइट नाउ, इफ आई एम सिटिंग इन दिल्ली हियर, तो मैं अपनी ऑस्ट्रेलिया वाली दीदी से या मे बी सिंगापुर वाली चाची से बात कर सकती हूँ, है ना। आई जस्ट हैव टू गिव अ कॉल टू हर। अब पहले के टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था, है कि नहीं। पहले के टाइम पे हमें चिट्ठियां लिखनी पड़ती थी, एक एक महीना लग जाता था यार इतनी छोटी छोटी यू नो कम्युनिकेशन करने में। बट नाउ सिंस देयर इज ग्लोबलाइजेशन दैट मींस द डोर्स टू द वर्ल्ड आर ओपन, है ना। तो शुरू करते हैं अभी जल्दी से विदाउट एनी फर्दर डू। बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो बच्चा रीसेंट इयर्स में देखो इंडियन मार्केट्स की अगर हम बात करें, या फॉर दैट मैटर हम किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने की मार्केट की अगर हम बात करें, तो देव लिटरली ट्रांसफॉर्म्ड, एकदम 360 डिग्री का टर्न आया है ना। अब अगर हमें कोई भी छोटी से छोटी भी चीज लेनी हो तो उसके लिए हमारे पास कितनी सारी वेराइटी है। मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाजार में गए हो अपने लिए शॉपिंग करने के लिए, सो इफ यू जस्ट वांट टू टेक अ टी-शर्ट फॉर योरसेल्फ, देयर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, हंड्रेड ऑफ कलर्स अवेलेबल, हंड्रेड ऑफ डिजाइंस अवेलेबल, और जो भी आपको उसमें से बेस्ट लगता है आप उसको चूज कर सकते हो, है ना। फिर चाहे वो गाड़ी ही क्यों ना हो या डिजिटल कैमरास क्यों ना हो, मोबाइल फोन, आज के टाइम पे हर किसी को स्मार्टफोन चाहिए, राइट। टेलीविजन की बात करो भाई, अब तो स्मार्ट टीवीज भी आ गए हैं, यूट्यूब खुल जाते हैं फोन में, यू नो लैपटॉप और कंप्यूटर में तो पहले भी खुल जाता था, फोन में भी खुल जाता था, बट अब टीवी में भी चल जाता है। नेटफ्लिक्स आप टीवी पे देख सकते हो, अमेजन प्राइम पे इतनी सारी मूवीज आप टीवी पे देख सकते हो। तो बेसिकली कितनी ज्यादा तरक्की हो रही है ना हमारी कंट्री के अंदर। तो बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कितने सारे वर्ल्ड के अंदर मैन्युफैक्चरर्स हैं, अलग अलग कंपनीज अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोका कोला यूएसए की कंपनी है, बात कर लो एप्पल की, अगेन यूएसए की कंपनी है, सैमसंग की बात कर लो, या और कितने अलग अलग ऑडी की बात कर लो, एलजी ले लो, रेमंड ले लो, एनी कंपनी, राइट। तो बेसिकली दे द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ऑल दीज कंपनीज आर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना। ये तो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कन्फाइंड तो नहीं है, है ना। और आज के टाइम पे वी आर ऑल बाइंग दोस प्रोडक्ट्स आल्सो, चाहे फिर वो गाड़ी हो या छोटी से छोटी टी शर्ट हो या कोई चॉकलेट या टॉफी ही क्यों ना हो, है ना। फ्रूट जूसेस की बात कर लो, एंड नियरली ऑल द टॉप कंपनीज आर अवेलेबल इन ऑल द डिफरेंट प्लेसेस, है कि नहीं। तो बेसिकली हम प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री की बात करते हैं बच्चा। तो देखो अब बहुत टाइम इफ वी टॉक अबाउट एन एरा लाइक 100 साल पहले आज से, तो शायद ऐसी वाली चीजें नहीं थी। देखो ट्रेड तो उस टाइम भी होता था। इफ यू टॉक अबाउट वास्को डा गामा, 1498 में उन्होंने सी रूट डिस्कवर करा था हमारी कंट्री के, किस लिए? ट्रेड करने के लिए। अब बेसिकली हमारी माउंटेन रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस में कितने सारे पासेस हैं, तो बच्चा ट्रेड जैसी चीजें तो बहुत पहले से सदियों से चली हुई आ रही हैं। यू टॉक अबाउट रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, उपनिषद, ये सारे के सारे, इवन स्पाइसेस हो गए, मसलिन क्लॉथ हो गया, ये सारी की सारी चीजों का एक्सचेंज जो है वो बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन अब फ्रॉम द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी जो प्रोडक्शन है विद इन द कंट्रीज ये बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो चुकी है। वी कैन ऑल्सो सेंड द गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी रॉ मटेरियल है हम उसको यू नो एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, फूड स्टफ को, फिनिश प्रोडक्ट्स को, किसी पर्टिकुलर जगह पे से रॉ मटेरियल जा रहा होता है, कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, कहीं पे उसकी प्रोडक्ट्स की असेंबलिंग हो रही होती है, कहीं पे उसके सॉफ्टवेयर बन रहे होते हैं, है ना। तो अगर हम कॉलोनीज की बात करें, चलो ज्यादा दूर में जाओ इंडिया की ही बात कर लेते हैं। इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, हमारी कंट्री से भी कितने सारे अलग अलग रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करे जाते हैं दूसरी दूसरी कंट्रीज के अंदर, वहां पे फाइनल फिनिश्ड गुड मैन्युफैक्चर होता है और फिर वहां से वर्ल्ड के बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में वो भेज दिया जाता है ना। तो बेसिकली ये क्या है, ट्रेड ही तो है। तो ऐसा नहीं है कि जब मल्टीनेशनल कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती थी तो हमारी कंट्री में ट्रेड नहीं होता था, बिल्कुल होता था, ट्रेड तो सदियों से चला हुआ आ रहा है। लेकिन विद द मल्टीनेशनल कंपनीज चीजें जो है वो और भी ज्यादा वाइड स्प्रेड हो चुकी है। अब आप सोचोगे कि मैम मल्टीनेशनल कंपनीज में ये क्या होता है, तो बच्चा मल्टीनेशनल कंपनीज MNCs या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस भी आप इनको बोल सकते हो, ये बेसिकली कंपनी होती है जो ओन करती, जो यू नो
इट इज ऑपरेटिंग इन सेवरल डिफरेंट नेशंस. बेसिकली एक ऐसी कंपनी जिसकी यूनिट्स या गुड्स या सर्विसेज की प्रोडक्शन एक से ज्यादा नेशंस में हो रही होती है, उसको हम MNCs बोलते हैं. अगर आज के टाइम पे आप मैकडॉनल्ड्स की बात कर लो, ठीक है, या आप KFC की बात कर लो, कितने सारे यू नो वर्ल्ड वाइड ये चेन है, फूड चेन है, अलग अलग जगहों पे प्रेजेंट है. You know, you talk about any, you talk about Pizza Hut, you talk about Burger King, you talk about Levi's or H&M or Zara, they are available everywhere. You talk about Cargill. ठीक है, कितनी सारी अलग अलग जगहों पे ये अवेलेबल है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन यू नो अक्रॉस द वर्ल्ड इन सेवरल कंट्रीज. तो ये क्या है, ये MNCs है, ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है. अब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो काम कैसे करती है, तो बच्चा बेसिकली क्या होता है, जो MNCs होती है ना, वो अपने ऑफिसेस को, अपनी फैक्ट्रीज को, अपने यूनिट्स को, प्लांट्स को अलग 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 रीजन के अंदर सेटअप कर लेती हैं. अब देखो, बेवकूफ तो कोई नहीं होता है कि नहीं, सारे के सारे, कोई भी इंसान हो या कोई भी यू नो कोई स्मॉल बिजनेसमैन हो या कोई फार्मर हो या कोई बहुत ही बड़ा एंटरप्रेन्योर हो, वो क्यों काम करते हैं, आप मुझे बताओ, व्हाई डू पीपल वर्क. या फॉर दैट मैटर, अगर आज मैं भी काम कर रही हूँ या अगर आज आपके मदर या मतलब योर पेरेंट्स, योर मदर माइट बी वर्किंग, योर फादर माइट बी वर्किंग, व्हाई आर वी वर्किंग, जरूरत क्या है काम करने की, पैसे कमाने के लिए काम करना है, ताकि हम लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो पाए, ताकि हम लोग एक अच्छी जिंदगी जी पाए, अपने सारे नीड्स और वॉन्ट्स को फुलफिल कर पाए, राइट. तो बेसिकली इसके साथ साथ हमारा मेन एम क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए. तो एक शॉपकीपर है, मान लो कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर है, अगर आप उसके पास जाते हो, बोलो भैया मुझे एक फ्री की चॉकलेट दे दो, तो वो क्या बोलेगा, वो डंडा मार के आपको भगा देगा कि बेटा जाओ पहले पैसे लेकर आओ, उसके बाद कुछ दूंगा, है ना. क्यों, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स. बिकॉज अगर उनके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होंगे, तभी तो उनकी इनकम जनरेट होगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, और तभी वो आगे तरक्की कर पाएंगे, है ना. तो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ भी सेम ही हिसाब है, उनको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. अब अच्छा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का क्या तरीका होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है बाय कटिंग डाउन ऑन द कॉस्ट. कॉस्ट जितनी कम होगी उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप अगर लेटर से आप कोई कॉटन की टी शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, और उस कॉटन की टी शर्ट का रॉ मटेरियल मिला के, इलेक्ट्रिसिटी मिला के, लेबर मिला के, अगर उसका फाइनल लेट से वो 200 रुपीज की मैन्युफैक्चर हो रही है, तो आप उसको मार्केट के अंदर लेट से 500 रुपीज की बेच रहे हो या 1000 रुपीज की बेच रहे हो, है ना, तो बीच का मार्जिन क्या है, प्रॉफिट. तो बेसिकली अगर इस पर्टिकुलर कॉटन टी शर्ट की कॉस्ट को कट कर दिया जाए, मतलब लेटर से अगर सस्ता रॉ मटेरियल खरीद लिया जाए या प्रिंटिंग में कॉस्ट बचा ली जाए, तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये लेट से 150 रुपए में ही अगर ये हमारे पास फिनिश गुड बच जाता है, हम इसको बेच तो अभी भी 500 या 1000 रुपए के पे रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है. तो बच्चा, MNCs भी अपने प्लांट्स या अपने फैक्ट्रीज, अपनी इंडस्ट्रीज वहीं पे सेटअप करती है जहां पे चीप लेबर अवेलेबल हो, जहां पे सस्ता रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, जहां पे प्रॉपर मार्केट अवेलेबिलिटी हो, ताकि उनकी कॉस्ट कम रहे, ठीक है, समझ में आई. सो बेसिकली दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मिनिमाइज देयर कॉस्ट, और जैसी कॉस्ट मिनिमाइज होगी, प्रॉफिट तो अपने आप ही मैक्सिमाइज हो जाएगा, राइट. तो MNCs जो होती है वो ना ही सिर्फ अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट ग्लोबली बेचती है, ठीक है, लेकिन अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली प्रोड्यूस भी करती है, और ऐसी जगहों पे प्रोड्यूस करती है जहां पे उनको चीप लेबर मिले, चीप रॉ मटेरियल मिले, मार्केट की अवेलेबिलिटी हो प्रॉपर. बेसिकली देखो, अब ये तो है नहीं कि ना आओ देखा ना ताओ, जहां मन किया जाके प्लांट सेटअप कर दिया या जहां पे फैक्ट्री सेटअप कर दी, ऐसा तो नहीं होता भाई. देयर आर अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल, अगर आप भी कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो यू लुक एट हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स कि उसका मार्केट में रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, वो चलेगा कि नहीं चलेगा, हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, अगर हम कोई भी वर्कर्स को हायर करें, हम उनकी सैलरी देनी है, एंड दिस एंड दैट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो भाई सेम MNCs भी सोचती हैं. तो MNCs ना कि सिर्फ प्रोड्यूस, ना कि सिर्फ सेल करते हैं, बल्कि प्रोड्यूस भी करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबली. और ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ना, ये बहुत छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है अक्रॉस द ग्लोब. नाउ यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि मैम छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है मतलब, बच्चा बेसिकली इसका सिर्फ इतना सा मतलब है, एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल, मान लो एक बहुत बड़ी सी MNC है जो कोई इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो बच्चा उसका लेट्स से हो सकता है कि उसका डिजाइन या उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में हो रही हो,
उसके जो पार्ट्स हैं, जो उसका सॉफ्टवेयर है, वो चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहा हो, और फिर उसको मेक्सिको या ईस्टर्न यूरोप के अंदर भेजा जा रहा हो असेंबल करने के लिए, जहां पे वो फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो गया और वहां से इट सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। और मीनवाइल हो सकता है कि उसकी जो कस्टमर केयर सर्विसेज चल रही है उसके सेंटर्स इंडिया में लोकेटेड हो, ना। तो हमने क्या किया, हमने अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें प्रोड्यूस करी, उनको असेंबल करा और भेज दिया। बात यह है कि हमने ऐसा क्यों करा, हमने ऐसा करा ताकि हमारी उसकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। बेसिकली ऑल इन ऑल हमें क्या करना है, हम अपने ट्रेड को एक्सपैंड करना है, ठीक है, समझ आई। अब ऑब्वियसली बात है, वी वुड ऑलवेज वॉन्ट ना कि हमारा बिजनेस जो है वो चार चांद पे पहुंच जाए, है ना, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ते रहे। ऑब्वियसली हर कोई यही सोचता है। अब क्वेश्चन ये आता है, मैम ये कॉल सेंटर क्या होता है? तो बता, कॉल सेंटर बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस होता है, एक जगह होती है जहाँ पे लोग बैठ के मैसेजेस रिसीव भी करते हैं, मैसेजेस ट्रांसमिट भी करते हैं इन लार्ज वॉल्यूम बाय कॉलिंग, ठीक है। कम्युनिकेशन तो फोन पे ही होती है, राइट। आगे चलते हैं। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, हमने क्या देखा। अब आप सोच रहे होगे कि मैम अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें हमने क्यों, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन उनको बहुत सस्ती पड़ रही थी तो उन्होंने चाइना में मैन्युफैक्चर करा लिया। मेक्सिको में और ईस्टर्न यूरोप की मार्केट्स उनको बहुत अच्छी लग रही थी एंड मार्केट्स वर वेरी क्लोज टू यूएसए ऑल्सो एंड यूरोप ऑल्सो, तो उन्होंने सोचा उन कंट्रीज में हम मार्केट रख देते हैं, असेंबली हो जाएगी और वहां से फाइनल फिनिश प्रोडक्ट चला जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया की बात करी जाए तो यहाँ पे बहुत हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हैं तो उनको उसके सारे टेक्निकल एस्पेक्ट समझ में आएंगे प्रोडक्शन के, तो हो सकता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन यहाँ पे कर लियो। और इंडिया के अंदर अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग, अच्छी इंग्लिश बोलने वाला यूथ भी अवेलेबल होते हैं, यहाँ से कस्टमर केयर सर्विसेज भी देंगे, ठीक है। तो ऑल इन ऑल सस्ता सुंदर टिकाऊ काम हो गया ना, बस वही होता है। अब बेसिकली बहुत सारी एडवांटेजेस हैं ये इतने सारे प्रोडक्शन को स्प्रेड आउट करने की। नंबर वन, आपको बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल गए, जो जहाँ की खासियत हो गया वहीं से तो यू नो लोग है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कभी हमें मीठा खाने का बहुत मन कर रहा होता तो हम जाते हैं ना बीकानेर, है ना, तो ये बेसिकली एक ब्रांड वैल्यू सेट हो चुकी है कि बीकानेर इज फेमस फॉर इट्स स्वीट्स। तो जो चीज हमें बेस्ट क्वालिटी की मिल रही है दैट टू एट अ चीपर प्राइस, हम तो वही प्रेफर करेंगे। अब इससे हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, कॉस्ट कटिंग भी हो गई, एंड एमएनसी जो होते हैं वो प्रोडक्शन को अपनी इसलिए भी स्प्रेड करते हैं बच्चा, बिकॉज उससे इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। तो यहाँ पे देखो दोनों ही कंट्रीज की बल्ले बल्ले, दोनों ही कंट्रीज का फायदा हो गया, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनका भी फायदा हो गया क्योंकि उनको चीप मटेरियल्स मिल गए, उनका काम सस्ते में हो गया। एंड एट द सेम टाइम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी भी बहुत फायदेमंद, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद हो गया। वाई? बिकॉज वहां पे इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई, समझ में आया। वहां के जो लोग थे उनको नौकरी मिल गई, उनको नौकरी मिली तो दे हैव स्टार्टेड अर्निंग बेटर। नाउ व्हेन दे स्टार्ट अर्निंग बेटर उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंप्रूव हो गया। तो दोनों तरफ से क्या हुआ, हल्ले बल्ले, ठीक है, एक तीर से दो निशाने। चलो तो अब एमएनसी क्या है आपको बताना है। एंड एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन डैश इन वन सिंगल कंट्री, इन मोर देन वन कंट्री, ओनली इन द डेवलपिंग कंट्रीज, या फिर ओनली इन द डेवलप्ड कंट्रीज। जल्दी से बता दो इसका आंसर, एवरीबडी इन द लाइव चैट क्विकली टेल मी व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बताओ बताओ क्या कहती है मेरी बच्चा पार्टी। वेरी गुड, एब्सोल्यूटली करेक्ट गाइज, बहुत बढ़िया। राइट आंसर इज इन मोर देन वन कंट्री। अब एक और खास बात बताओ एमएनसी की, भाई मल्टीनेशनल, यानी कि बेसिकली देखो एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर सारे के सारे क्या कहते हैं ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, फ्रॉम मार्केटिंग टू सेल टू एडवर्टाइजिंग टू प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग, ठीक है, इट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। आगे चलते नेक्स्ट आता है हमारा इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। अब भाई ये तो मेन एस्पेक्ट है। अब चाहे आप एमएनसी की बात करो, एमएनसी जो है वो अपना प्रोडक्शन का प्रोसेस अलग 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 कंट्रीज के अंदर चलाती है। अब भाई इसके बहुत सारे तरीके भी होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होती है, जॉइंट वेंचर या पार्टनरशिप में भी कर सकती है, लोकल कंपनीज को टेक ओवर कर सकती है, लोकल कंपनीज के साथ मर्ज कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट यू नो कर सकती है लोकल कंपनी के साथ। तो एक एक करके हमें चारों के चारों पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट।
तो एक बात बताओ, इन्वेस्ट करने का क्या मतलब होता है? आई एम प्रिटी श्योर यू गाइस मस्ट हैव हर्ड, अब आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो गए हो तो आपने सुना होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कोई FDs में, बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, कोई रेकरिंग डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का बेसिक मतलब क्या है? जो हम पैसा एसेट को बाय करने के लिए स्पेंड कर रहे हैं, चाहे फिर वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, कोई मशीनरी हो, या हमने कोई ऐसे FD करवा ली, फिक्स डिपॉजिट करवा लिया, जहां पे हमारा पैसा बेसिकली सिक्योर है, उसको हम बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पापा ने कोई लैंड खरीद के छोड़ दिया, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पैसे को किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया विच वुड ब्रिंग हिम फ्रूटफुल रिजल्ट्स इन द नियर फ्यूचर। तो ऐसे ही बचा फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब हम किसी बाहर के देश में, इंडिया में नहीं, जब हम किसी बाहर के देश में अक्रॉस आवर ओन नेशन जब हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो MNCs की अगर बात करी जाए तो वो क्या कर रहे हैं, MNCs फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही तो कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज के अंदर अपनी प्रोडक्शन को कैरी आउट कर रही हैं, तो दे आर एक्चुअली गेटिंग इनटू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरन क्या है, अब्रॉड, तो बेसिकली जब कोई भी कंपनी किसी और कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करती है तो वो फॉरन इन्वेस्टमेंट है। अब फॉर दैट मैटर अगर आज आप भी किसी दूसरे किसी फॉरन कंट्री में, सिंगापुर में, कनाडा में, USA में अपना जाके घर ले लो, आपने क्या किया, फॉरन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो MNCs जो होती है वो क्या करती है, वो फैक्ट्री सेटअप करती है, ऑफिस सेटअप करती है फॉर प्रोडक्शन इन द फॉरन कंट्री, ओके। अब नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप या फिर एक जॉइंट वेंचर। अब कभी कभी क्या होता है बच्चा, MNCs जो होती है ना वो अपनी प्रोडक्शन को किसी लोकल कंपनी के साथ जॉइंट कर लेती है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी दोनों की दोनों कंपनीज का फायदा हो रहा है, उस जॉइंट वेंचर, उस लोकल कंपनी का भी फायदा हो रहा है, MNC का भी बहुत फायदा हो रहा है, दोनों ही हाथ मिला रहे हैं क्योंकि म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। अब ऑब्वियसली बात है, देखो एक सोचने वाली बात है, जॉइंट लोकल कंपनी है मतलब लोकल कंपनी, लेट्स से कोई इंडियन कंपनी है तो मतलब उसको इंडियन मार्केट के बारे में सब कुछ पता होगा, ठीक है, इंडियन मार्केट के बारे में पता होगा, कौन सी लोकेशन सूटेबल है पता होगा, रॉ मटेरियल कहाँ पे सस्ता मिलेगा ये पता होगा, चीप लेबर अवेलेबल है ये पता होगा, क्या कैसे होगा सारा का सारा स्ट्रक्चर उनको पता होगा। एंड एट द सेम टाइम जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके पास पैसा भरपूर है, तो भाई उनको पैसा देना है, जॉइंट लोकल कंपनी को भी फायदा और MNC को भी फायदा, तो बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑल्सो एंड टू द MNC ऑल्सो। सबसे पहले MNC क्या करती है, MNC उनको एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करती है, जैसे हाईएस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स हो गई ताकि प्रोडक्शन फास्ट हो, ठीक है, नई नई मशीन्स खरीद ली, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इट वुड ब्रिंग इनटू द प्रोडक्शन, तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है, फायदा दोनों का ही हो रहा है। अब MNC देखो ऑब्वियसली बात है, अगर MNC ऐसा ना करे तो उसको पहले अपनी प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी हर एक चीज की, उनको ढूंढना पड़ेगा कि अप्रोप्रिएट लोकेशन क्या है, उनको प्लांट सेटअप करना पड़ेगा, है ना, तो इस चीज के अंदर कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब भाई हर कोई चाहता है कि प्रॉफिट तो भैया हमारी जेब के अंदर जल्दी से जल्दी आए, है ना, तो इसीलिए वो जॉइंट वेंचर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लोकल कंपनी के साथ मर्जर हो जाता है या दे टेक इट ओवर। अब बेसिकली देखो ये भी एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अब MNCs क्या करती हैं, वो लोकल कंपनीज को खरीद लेती हैं, ठीक है, और ये क्यों करती है, अपनी प्रोडक्शन को एक्सपैंड करने के लिए। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कारगिल फूड जो है ना बच्चा, वो एक अमेरिकन MNC है, बहुत ही लार्ज स्केल की MNC है ये, ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने इंडियन कंपनी पारक फूड्स को इसने कर लिया टेक ओवर, पारक फूड्स को टेक ओवर कर लिया, और आज इंडिया में भी इट हैज बिकम अ वेरी वेरी ह्यूज मल्टीनेशनल कंपनीज, इट इज रनिंग इट्स ऑपरेशंस ऑन अ वेरी ह्यूज लेवल, तो प्रॉफिट भी बढ़ गया, अब पारक फूड्स को भी फायदा हो गया इसका, है ना। चल आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट टू लोकल कंपनीज। अब कभी कभी क्या होता है, जो MNCs होती है ना वो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर कुछ ऑर्डर्स प्लेस कर देती हैं, फॉर दैट मैटर डेवलपिंग कंट्रीज भी हो सकती हैं, जहां पे भी उनको सस्ता सामान मिले, गारमेंट का, चाहे फुटवेयर का, स्पोर्ट आइटम्स का, वो उसको उनके ऑर्डर ना छोटे 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 प्रोड्यूसर्स को दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई लेट से कोई जूते की मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, लेट अस से रीबॉक है, तो अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि रीबॉक अपनी 100% प्रोडक्शन अपने खुद के प्लांट में कर रहा है, हो सकता है कि वो आउटसोर्स कर रहा हो, वो किसी छोटी लोकल कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हो और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा हो, और फिर जब जूता फाइनली प्रोड्यूस हो गया, तैयार हो गया, तो अपना ब्रांड नेम छाप के अपने ब्रांड से उसको बेच दिया, ठीक है,
तो इससे क्या हो रहा है, लोकल कंपनीज का भी फायदा हो गया क्योंकि उनको काम मिल गया, उनको इतने बल्क ऑर्डर्स मिल गए, और एमएनसी का भी फायदा हो गया ठीक है क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उनको सस्ता पड़ा, और इतने बल्क में प्रोड्यूस करेंगे तो बार्गेनिंग भी बहुत तगड़े लेवल पे हो जाती है ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल है फोर्ड मोटर ठीक है। बच्चा फोर्ड मोटर्स अगेन एक अमेरिकन कंपनी है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। 26 कंट्रीज के अंदर फोर्ड मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग है। अब फोर्ड मोटर्स ने क्या किया, फोर्ड मोटर्स ने दिमाग लगाया, उन्होंने देखा कि इंडिया कितनी बड़ी मार्केट है, तो 1995 में फोर्ड मोटर्स इंडिया आया और उन्होंने 1700 करोड़ रुपए का प्लांट सेटअप करा चेन्नई के पास। अब ऑब्वियसली बात है, प्लांट सेटअप कैसे करा भाई, या तो सारे का सारा होमवर्क करते, 2-3 साल लगाते चीजें समझते, या उनके पास एक छोटा एक शॉर्टकट था कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ कोलैबोरेट करा, जो ऑलरेडी एक बहुत ही मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरर था जीप्स का भी और ट्रक्स का। तो बाय 2017 बच्चा फोर्ड मोटर्स वॉज एबल टू सेल 88,000 कार्स इन द इंडियन मार्केट, और भी देखा जाए तो 1,81,000 कार्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू द अदर कंट्रीज, जैसे आपका साउथ अफ्रीका हो गया, मेक्सिको हो गया, ब्राजील हो गया, यूएसए हो गया। तो बेसिकली एक तीर से दो निशाने। आगे चलते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द एमएनसीज आर टर्म्ड एज इंडिजिनियस इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताओ इसका आंसर इन द लाइव चैट। Everybody, quickly tell me, guys. अभी अभी हमने पढ़ा था वो इन्वेस्टमेंट जो कि MNCs कर रहे हैं अलग 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 कंट्रीज के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, क्विकली टेल मी। वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट। अब अच्छा, जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं, देखो सबसे पहले ये समझो कि ट्रेड क्या होता है ठीक है। ट्रेड क्या है, ट्रेड इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया आपका ट्रेड ठीक है। अब इसी में फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड हो जाए, तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है, अ ट्रेड, और या फिर आप कह सकते हो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब बच्चा इसको हम इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं या एक्सटर्नल ट्रेड भी कहते हैं, और इसके ना दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इंपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। अब इसको ध्यान से समझना, व्हेन आई से इंपोर्ट, इंपोर्ट ठीक है, इम का मतलब क्या है, हमारी कंट्री के अंदर आ रहा है, इट इज कमिंग इन द कंट्री, एंड एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, एग्जिट हो रहा है, मतलब हमारी कंट्री से जा रहा है ठीक है। सो वो हो गया हमारा एक्सपोर्ट। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज हम दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर मंगवाते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं, और अपनी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुए हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम दूसरी कंट्रीज के अंदर भेजते हैं, यानी कि हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, क्लियर है। तो यही होता है फॉरेन ट्रेड। अब बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं फॉरेन ट्रेड के, बहुत सारे फायदे भी होते हैं फॉरेन ट्रेड के। तो बच्चा सबसे पहले तो आ गया दैट इट ओपन्स अप द वर्ल्ड मार्केट फॉर द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स जो है यानी कि जो गुड को बना रहे हैं, जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए ट्रेड को एक्सपैंड करने का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया। बिकॉज अभी तक देखो हम सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के अंदर फंसे हुए थे ठीक है, वी वर ओनली स्टक इन द कंट्री वी वर रिसाइडिंग इन। लेट्स से अगर कोई इंडिया का प्रोड्यूसर है या कोई इंडिया का मैन्युफैक्चरर है, तो अभी तक वो इंडिया में ही अपने सामान को बेच पा। बट अब फॉरेन ट्रेड से क्या हुआ, इट हैज ओपनड अप पॉसिबिलिटीज फॉर हिम टू इवन मूव टू द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। समझे, अभी वो जो प्रोड्यूसर है वो अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकता है टू साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, यूएसए, चाइना, कैनेडा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिस भी कंट्री में उसको भेजना। देन उसके बाद अगेन इट रिड्यूसेस द प्रोड्यूसर्स डिपेंडेंसी ऑन द डोमेस्टिक मार्केट। भाई वॉट इफ अगर वो जो प्रोड्यूसर है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर उसका प्रोडक्ट फेल हो गया, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में बढ़िया चल रहा है, तो भाई क्या होगा, एक तरीके से तो बच गया ना, एक तरीके से तो सेफ हो गया। क्यों, क्योंकि उसकी 100% डिपेंडेंसी जो थी वो डोमेस्टिक मार्केट्स में नहीं थी। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, बहुत छोटा सा, बहुत फनी एग्जाम्पल। एक बार बताओ, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम है कल ठीक है, और आप अपने दोस्त के भरोसे चले गए पेपर देने, किताब भी नहीं खोली, कुछ भी पढ़ाई नहीं करी ठीक है। अब दोस्त जो है वो एब्सेंट हो गया,
टेस्ट है कल, दोस्त एबसेंट हो गई, या फिर दोस्त की सीट बहुत ज्यादा दूर है आपसे, दोस्त इतना ज्यादा आपसे क्लास में दूर बैठा है कि आप एक कोने में, दोस्त दूसरे कोने में, और आप चीटिंग कर ही नहीं सकते, तो भाई क्या करोगे? सोच रहे हो, मतलब आपका आपका जो एग्जाम है वो तो बहुत खराब जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से फुल्ली प्रिपेयर्ड होते तो कैसी सिचुएशन आती? नहीं ना, वही वाली बात है बस यहाँ पे भी, ठीक है। एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस द चॉइस ऑफ द गुड्स फॉर बायर्स, ऑब्वियसली बात है, कंज्यूमर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि उनके लिए वैरायटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, उनके लिए चॉइस बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो अभी वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट चीप रेट पे खरीद सकते हैं। एंड उसके साथ साथ द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज इंटीग्रेटिंग द वेरियस नेशंस ऑफ द कंट्री। अब भाई देखो, ऑब्वियसली बात है, जब वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज के बीच में ट्रेड होगा तो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का ही ट्रेड नहीं होता बच्चा, कल्चर, ट्रेडिशन और भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, और ये सारी की सारी चीजें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन ट्रेड एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट। अब अगेन, मार्केट को इंटीग्रेट करने में भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। देखो, सबसे पहले तो मार्केट इंटीग्रेशन कैसे हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है बिटवीन द कंट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ना, तो एयरवेज, रोडवेज, वाटरवेज, आपका रेलवेज, ये सारी की सारी चीजों को कितना ज्यादा पुश मिला है ना, हमारे ट्रांसपोर्टेशन को कितना ज्यादा पुश मिला, उसने कितनी ज्यादा रैपिड डेवलपमेंट हुई, तो एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स एंड सर्विसेज जा पा रही है। फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ पीपल, आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो, यस एब्सोल्युटली। अब एक बात बताओ, इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स मूवमेंट, जैसे दो एग्जांपल्स दूंगी मैं इसके। नंबर वन, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आप वहां जाके भी तो देखोगे कि चीजें कैसी चल रही हैं, क्या मतलब कंपनी कैसे फंक्शन कर रही है, या टू मे बी टू मीट द डिफरेंट पीपल, टू मीट द ओनर और द कोऑर्डिनेटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। एंड नंबर टू, जब आप लेट्स से आप इंडिया के अंदर पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, अब आपको एक जॉब मिलती है यूएसए में विच इज पेइंग यू वेरी वेरी वेल, you would also move there. अब जब आप USA जाओगे तो आप you are exchanging your cultures, you are exchanging your language, your traditions and everything, है ना, तो इससे movement भी हुई, लोगों की भी ideas भी exchange हुए, जो भी आपके thoughts होंगे आप भी उनको ideas रखोगे, आप भी उनको अपने opinions दोगे, सामने से वो भी आपको अपने ideas बताएंगे, है ना। उसके साथ साथ इट ऑल्सो गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द लोकल मार्केट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, ओके। उसके साथ साथ बायर्स को बहुत ज्यादा चॉइस मिल जाती है, कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। अब भाई देखो, ये कंपटीशन ना बहुत ही बढ़िया चीज भी है और साथ में बहुत ही खराब चीज भी। एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। जब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बच्चा, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फोर्सफुली ही सही बट बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे ही बनाएंगे, बेटर क्वालिटी की सर्विसेज देंगे ही देंगे, बिकॉज उनको पता है अगर वो नहीं देंगे तो उनके कॉम्पिटिटर्स दे देंगे, और इवेंचुअली दोस कॉम्पिटिटर्स विल मूव अहेड इन द मार्केट, है ना, तो ओवरऑल प्राइस रिडक्शन भी होता है गुड्स का, समझे, तो फायदा हो गया लोगों को, कंज्यूमर्स को। तो फॉरेन ट्रेड जो है बच्चा, वो मार्केट को कनेक्ट करता है, इंटीग्रेट करता है इन द डिफरेंट डिफरेंट कंट्री। अब नाउ लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड थ्रू द एग्जांपल ऑफ चाइनीज टॉयज। नाउ अगेन आई वुड से हियर बच्चा, एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। चलो अब टॉयज की बात आई है तो टॉयज की बात करते हैं। चाइना के अंदर बहुत सारे टॉयज प्रोड्यूस होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं प्लास्टिक के, ठीक है। अब इंडिया के अंदर भी टॉयज प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इंडियन टॉयज जो थे दे वर ऑलवेज सोल्ड एट अ वेरी हाई प्राइस। तो जब चाइना से इंडिया के अंदर टॉयज एक्सपोर्ट होने शुरू हो गए, इंपोर्ट होने शुरू हो गए, तो अब कंपटीशन बढ़ गया। इंडियन प्रोड्यूसर्स जो थे टॉयज के, उनके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। सो दे द पीपल हैड टू चूज बिटवीन द चाइनीज टॉयज एंड द इंडियन टॉयज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू नो, नाचती हुई कोई गाड़ी या कितने सारे अलग अलग टॉयज आते हैं ना, है ना, प्लास्टिक के कितने सारे अलग अलग टॉयज आते हैं, तो बेसिकली नए नए डिजाइन आते हैं, दैट टू एट अ वेरी चीपर प्राइस। तो लोगों को लगता है कि यार क्यों पैसे खर्चने हैं जब एक चीज हमें बहुत अच्छी मिल रही है। तो बच्चा जब इंडियन मार्केट के अंदर चाइनीज टॉयज आए तो 70-80% ऑफ द टॉय शॉप जो थी, ऑफ द इंडियन टॉय शॉप, दे वर रिप्लेस्ड विद द चाइनीज टॉयज। लेकिन इसका देखो, इससे कंज्यूमर्स को तो बहुत फायदा हुआ क्योंकि उनको चॉइस मिल गई बहुत ज्यादा, उनको चीप प्रोडक्ट्स मिल गए। लेकिन एट द सेम टाइम आप सोचो कि जो इंडियन टॉय मेकर्स थे उनको कितना भारी नुकसान हुआ। और बच्चा कभी कभी ये नुकसान इतना ज्यादा हो जाता है दैट लिटरली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं होम कंट्री के, दे हैव टू एलिमिनेट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन ऑल टूगेदर,
क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, खर्चा ही नहीं निकल रहा, सामान ही नहीं बिक रहा, तो क्या करेंगे बेचारे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं, चाइनीज टॉयज हैव बिकम मोर पॉपुलर इन द इंडियन मार्केट्स एंड विद इन अ ईयर डैश ऑफ द टॉय शॉप्स हैव बीन रिप्लेस्ड इंडियन टॉयज विद द चाइनीज टॉयज। 50-60% ऑफ द प्रोडक्शन, 70-80%, 100% या 80-90%। अभी 2 मिनट पहले हमने ये वाला पॉइंट डिस्कस किया है, कवर किया है, तो मुझे जल्दी जल्दी से बता दो फटाफट से गाइस। समझ में आ रहा है ना सबको इतना पार्ट? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट? पक्का एक थम्स अप दे दो जरा मुझे लाइक चैट के अंदर, सो दैट आई कैन आल्सो यू नो बी रेस्ट अश्योर्ड कि हाँ मेरी बच्चा पार्टी को सब कुछ एकदम मक्खन स्मूथ समझ में आ रहा है। क्या रहा है सबको? चलो बहुत बढ़िया। एंड द राइट आंसर टू दिस इज 70-80%। बिल्कुल सही, 70-80% कि जो इंडियन टॉयज की मार्केट थी वो गिर गई। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो अभी एक और बड़ी डिस्कस करते हैं बच्चा। देखो ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है, द वर्ल्ड हैज बिकम अ वेरी स्मॉल प्लेस टू बी। इंटरलिंकिंग हो रही है कंट्रीज की, इंटरकनेक्शन हो रहा है कंट्रीज के बीच में, मार्केट्स इंटीग्रेट हो रहे हैं। तो बच्चा इन द पास्ट 2-3 decades बहुत ज्यादा MNCs जो है ना उनको ऐसी locations पे अपने प्लांट्स को सेटअप करना है। यहाँ पे मैं प्लांट ये पौधों वाली बात नहीं कर रही हूँ, फूल पत्तों की बात नहीं कर रही हूँ, प्लांट का बेसिक मतलब है फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज आप कह सकते हो एक तरीके से। तो वो ऐसी locations ढूंढ रही है जहाँ पे उनको चीप लेबर मिले, जहाँ पे बेसिकली उनको चीप रॉ मटेरियल मिले, उनको अच्छी मार्केट मिले, लोकेशन वाइज सारी चीजें अप्रोप्रिएट हो, कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा हो जिस पर्टिकुलर जगह पे और उनका प्रॉफिट ज्यादा हो, बेस्ट बात। ठीक है, तो उसकी वजह से वो क्या कर रही है, उसकी वजह से वो कर रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि दूसरी दूसरी कंट्रीज के अंदर पैसा लगा रही है बहुत ज्यादा। MNCs हैं इतने बड़े स्केल के ऊपर, अगर वो प्रोडक्शन कर रही है तो ऑब्वियसली बात है पैसा तो बहुत है उनके पास, अंधा पैसा। ठीक है, सो एट द सेम टाइम जो फॉरेन ट्रेड है वो भी बहुत ज्यादा राइज कर रहा है ना, तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज इन MNCs, और उसके साथ साथ फॉरेन ट्रेड भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो बीइंग कंट्रोल्ड बाय द MNCs। द एक्टिविटीज ऑफ मोस्ट ऑफ द MNCs जो है ना बच्चा वो ट्रेड ही इन्वॉल्व करती है इन द गुड्स एंड द सर्विस, और इसका रिजल्ट क्या है, लाइक आई सेड इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर फॉरेन ट्रेड, जिसकी वजह से मार्केट क्या हो रही है, इंटीग्रेट हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, इट इज बीइंग सोल्ड अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्या अब ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन है रैपिड इंटीग्रेशन एंड रैपिड इंटरकनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, ताकि ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो और ज्यादा फॉरेन ट्रेड हो और इवेंचुअली हमारी जो मार्केट है वो बूम करे, लोगों को ज्यादा फायदा हो, लोग ज्यादा पैसे कमाए, हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़े। ठीक है, दैट्स द बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़े, हमारी कंट्री की ग्रोथ हो, हम डेवलप करें, हमारी कंट्री के जो सिटीजन है उनकी इनकम इंक्रीज हो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो। ठीक है, तो MNCs जो है बच्चे हुए पूरे के पूरे ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं, और ज्यादा ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, दीज आर बेसिकली मूविंग अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, USA, एक डेवलप्ड कंट्री USA। ठीक है, अब वो जो डेवलप्ड कंट्री है वो अपनी टेक्नोलॉजी को बेसिकली दूसरी कंट्रीज के अंदर भेज रहा है ना, बाय इन्वेस्टिंग इन द डिफरेंट कंट्री। अब जब आप इन्वेस्ट करोगे अलग अलग कंट्रीज के अंदर, या लेट्स से अगर आप किसी लोकल कंपनी को हायर कर रहे हो, उसके साथ मर्ज कर रहे हो, उसको टेक ओवर कर रहे हो, या जॉइंट वेंचर कर रहे हो उनके साथ साथ, तो बच्चा आप उनको पैसा भी तो दोगे, आप उनको टेक्नोलॉजी भी दोगे, आप उनको नई मशीनरी भी दोगे, ताकि प्रोडक्शन बढ़े, एक्सपैंड हो फंक्शंस और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, सिंपल। Yeah? तो ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ माइग्रेशन भी हो रहा है बच्चा। अब देखो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ही मूव कर रही है बच्चा, कंट्रीज जो है दे आर आल्सो कनेक्टेड बाय द मूवमेंट ऑफ पीपल। अब देखो फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपने बहुत अच्छा पढ़ लिख लिया, ठीक है, कंट्री के अंदर आपने लेट अस से अपनी, यू आर अ ग्रेजुएट फ्रॉम IIT, आपने
IIM से अपनी बेस्ट कॉलेज से अपनी MBA कर ली है, या फिर फॉर दैट मैटर आप एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हो, आप एक बहुत अच्छे लेक्चरर बन गए हो, या बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए हो, अगर आपको फॉरेन के अंदर कोई नौकरी मिलेगी विच इज गोना पे यू वेरी वेल, सो यू आर ऑब्वियसली गोना माइग्रेट, बिकॉज यहाँ पे यू विल एक्चुअली बी थिंकिंग अबाउट योर ओन डेवलपमेंट एंड योर ओन ग्रोथ, राइट? आप अपना स्किल सेट इम्प्रोवाइज करोगे तो आप बाहर शिफ्ट होगे ना, आप माइग्रेट करोगे ना. और इसी को, एक और चीज बताती हूँ, इसी को बच्चा ब्रेन ड्रेन भी बोला जाता है. जैसे चलो इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और. इंडिया से आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं या जो बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं, बाहर सेटल हो रहे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी कंट्री के जो बहुत टैलेंटेड लोग थे जिनके पास जिनका बहुत अच्छा स्किल सेट था, अब वो बाहर की कंट्री में जाके उन लोगों का फायदा कर रहे हैं, उनको सर्व कर रहे हैं. यस, तो पीपल, लोग जो होते हैं वो यूजुअली बेटर इनकम, बेटर जॉब, बेटर एजुकेशन के लिए दूसरी कंट्रीज के अंदर मूव करते हैं. एंड इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स, ठीक है, देयर हैज नॉट बीन मच इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज ड्यू टू वेरियस, क्लियर है? चलो क्वेश्चन कर लेते हैं छोटू सा. द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज थ्रू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड इज कॉल्ड डैश. जल्दी से बताओ इसका आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी हमने डिस्कस करा है. इज इट फॉरेन ट्रेड, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन? जल्दी से बताओ लाइव चैट में. Very good. बिल्कुल सही. The right answer to this is globalization. Yeah? एक और question. Globalization leads to rapid movements of the following between the different countries: goods and services, investment, people, या फिर all of the above. जल्दी से बताओ. Quickly tell me, guys. अति अति आसान question. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया है. ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट गाइस. गुड्स एंड सर्विसेज तो मूव करती करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होती है, लोग भी मूव करते हैं, सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. सो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास. और अभी बारी आती है आपके होमवर्क क्वेश्चन की, तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइस टू गिव मी द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड ग्लोबलाइजेशन? आपको अपने खुद के वर्ड्स में बताना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. और सेकंड क्वेश्चन है दैट व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच द एमएनसी सेटअप और कंट्रोल द प्रोडक्शन इन द डिफरेंट कंट्री, ठीक है? तो इसके अंदर आपको पूरा का पूरा उसका प्रोसेस एक्सप्लेन करना है कि एमएनसी क्या देख के सेटअप करती है, क्यों सेटअप करती है दूसरी जगहों पे, और फिर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इसके अंदर हम लोग, ठीक है? So that is it for the class today and I hope you guys enjoyed it. So me ko niche comment section mein zarur se likh ke batana and give me a quick thumbs up in the live chat. Also if you guys have absolutely understood whatever I taught you guys today, jaldi se bata do, clear hai ekdam? क्या बात है, लवली. तो इसी के साथ गाइस, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. गूगल लेंस यूज करके आप एक QR कोड स्कैन करो एंड आप ये लिंक भी यूज कर सकते हो, bit.ly/topstudy. बच्चा इससे आप लोगों को सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, सारे के सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे. सो ऑल इन ऑल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. उसके साथ साथ प्लेलिस्ट भी क्रिएट हो चुकी है क्लास 9 की भी, क्लास 10 की भी, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन. तो आपको बहुत आसानी से कोई भी लेक्चर मिल जाएगा. एंड विथ दिस, that is it for the day and make sure that you guys hit the like button, it would mean the world to me. Aur channel ko subscribe zarur se kar dena guys, that is very very important, taki aap logo ko sari notifications milti rahe. Plus press the bell icon and I will see you all in the next class. Till then, bye guys, take care, love you all and have a wonderful evening ahead. Bye.